फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत राणा सर। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट करण पुरी। यस सर। अक्साइ बॉर्डर हमारे पड़ोसी देश के साथ वो डिस्प्यूटेड हिस्सा है जिस पर सदियों से हमारे और उनके बीच विवाद चला आ रहा है। कल सुबह 0800 आवर्स पर पड़ोसी देश के कुछ सैनिकों ने जबरदस्ती ये LOC क्रॉस करके उस पर कब्जा कर लिया है, जो कि हमारा एरिया है। एंड नाउ वी मस्ट शो दीज अनवेलकम गेस्ट्स योर राइट प्लेस। डोंट वरी सर, हम दुश्मन को ऐसा खदेड़ेंगे कि वो हमारी जमीन पर अपना पांव रखना तो दूर, उनका साया पड़ने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। गुड, दैट्स एग्जैक्टली वी विल डू। एक सीक्रेट मिशन के तहत कल आप और लेफ्टिनेंट पुरी सुबह 0630 आवर्स पर डिस्प्यूटेड एरिया पर अटैक करोगे और इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन विजय पथ। लेफ्टिनेंट पुरी, ये रहे मिशन के सीक्रेट पेपर्स। बी अश्योर्ड सर, हम इस मिशन में कामयाब होकर वापस लौटेंगे। ऑल द बेस्ट जेंटलमैन। जय हिंद। जय हिंद। अंदर की खबर पता तुझे? नहीं, टेल मी। हम दोनों में से कोई एक स्क्वाड्रन लीडर बनने वाला है और इस बात का फैसला इस मिशन के एंड में होगा। मिसाइल के फ्यूल लेवल्स डबल चेक किए मानव? यस सर, ऑल सिस्टम्स गो। गुड, बेस्ट ऑफ लक सर। जिनके पास हुनर होता है ना, उन्हें गुड लक की जरूरत नहीं होती मानव। फिर भी थैंक यू। निशाना 4320 मीटर की दूरी पर है। फाल्कन 1, अपने कोऑर्डिनेट सेट कीजिए। टारगेट दिख रहा है? देन गो अहेड, ऑल द बेस्ट। Falcon 2, are you ready? Falcon 2 हमेशा तैयार है, ready to go sir.
लगता है एक चीनी रिसेप्शन कमेटी आ रही है। दुश्मन के फाइटर्स रिट्रीट बॉयज रिट्रीट। नो टाइम सर, हमें उससे मुकाबला करना ही होगा। स्टडी बॉयज स्टडी, हमला हर तरफ से हो सकता है। उनके टारगेट से हम लोग बच गए हैं सर। फाल्कन वन तुम मुझे कवर करो, आई विल गेट देम। करण, तुम्हें अजीत ने बचा लिया। यू हैव टू बी मोर केयरफुल। चाइनीज राइडर मुड़कर भाग रहे हैं, पीछा करें क्या उनका? नो बॉयज, यू हैव डन वंडरफुल जॉब। टारगेट्स बॉम्ब्ड, बोनस में 2 चाइनीज फाइटर डाउन किए। नाउ रिटर्न टू बेस। रोजर सर, टर्निंग अराउंड। वेलकम टू। मैं स्पीड से चाइनीज फ्लाइट को नहीं छोड़ूंगा। करण, फाल्कन 2, return to base. This is my order. Yes, abhi hui operation Vijay Path. Operation Vijay returning to base, sir. Dekha Falcon 1, aaj ka score 2 mein se ek maine jeeta. Come on, Karan. ये कोई रेस नहीं है, हम दोनों अपने मिशन पे हैं। हम दोनों का एक मिशन और है अजीत, जहां से एक ही जीत सकता है। मिशन अंजलि। चलो आज फिर एक रेस हो जाए, जो ये रेस जीतेगा फिर अंजलि उसकी होगी। करण, हम मिशन पे हैं, ये कोई टाइम नहीं है ऐसी। मिशन खत्म हो गया दोस्त, हम बेस रिटर्न कर रहे हैं एक दूसरे रास्ते से। रेडी Ready, go! What's going on? ये दोनों खुरनाक फोर्ट के रास्ते क्यों वापस आ रहे हैं? Captain Naidu, call them back. Call them. Come in, Falcon 1, Falcon 2. करण, अजीत, रिटर्न टू बेस इमीडिएटली। सर, लगता है वो दोनों आउट ऑफ रेंज है, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। तू जीता, तू अंजलि तेरी है दम। करण पागल मत बनो, खुरनाक फोर्ट के रास्ते पर हम कभी नहीं गए हैं। रिटर्न टू बेस करण। लेफ्टिनेंट करण जितना अच्छा पायलट है उतना ही इनडिसिप्लिन भी। आने दो, वापिस ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मेडे मेडे फाल्कन 1 इजेक्ट। करण इजेक्ट। Ejector not working. Ejector not working. Sir, ये तो
एयर फोर्स मैटर है, कोर्ट मार्शल है, इसमें एक सिविल लॉयर क्या कर सकता है? मिस्टर पाठक, केस की नाजुकता को देखकर डिफेंस मिनिस्ट्री ने खास तौर पर आपकी नियुक्ति की है। ये कैसा अनोखा केस है मिस्टर पाठक कि अगर इसमें मुलजिम बेगुनाह साबित होता है तो ना केवल एयरफोर्स के लिए बल्कि इस देश के लिए भी बहुत बड़ी राहत की सांस होगी। ठीक है सर, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। चिंता मुझे ये हो रही है कि अगर मैं असफल रहा तो क्या होगा? तो फिर इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अस। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस केस को टॉप सीक्रेट रखना होगा, किसी को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। डोंट वरी सर, हमारे बीच में जो बातें हुई हैं वो इस कमरे के बाहर रह जाएगी। मुझे बचाओ, निकालो कोई मुझे। अरे कोई है, बचाओ। कौन हो तुम लोग? क्यों लेके आए मुझे यहाँ पे? अजीत, अंजलि, तुम? मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि करण को रस्ते से हटाकर तुम मुझे हासिल कर लोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुमने मेरे करण को मुझसे छीनकर अच्छा नहीं किया अजीत। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अंजलि, मैंने करण को नहीं मारा। एक्सक्यूज मी, प्लीज। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत, मेरा नाम केडी पाठक है। बैठिए प्लीज, शांत हो जाए। आपके कोर्ट मार्शल में आपकी पैरवी मैं करूंगा। सर, जिस दिन मैं पायलट बना था उस दिन मैंने भारत माता की रक्षा की कसम ली थी कि चाहे मेरी खुद की जान क्यों ना चली जाए लेकिन मैं उसके किसी दूसरे बेटे पर आंच भी नहीं आने दूंगा। सर करण के प्लेन पर मिसाइल मैंने फायर नहीं की। सर, कुछ दिन पहले मेरे कॉलीग करण और मुझे एक सीक्रेट ऑपरेशन असाइन किया गया, ऑपरेशन विजय पर, जहां हमें चीनी घुसपैठियों के इलाके में जाकर उन पर मिसाइल अटैक करना। हमारा ऑपरेशन कामयाब रहा लेकिन फिर अचानक कुछ चीनी फाइटर प्लेन्स ने हम पर हमला किया। करण और मैंने उनका डटकर सामना किया और उन्हें मार गिरा। वापसी में करण ने जानबूझकर आउट ऑफ रेंज एक नया रास्ता लिया और मुझसे रेस लगाने को कहा। सर, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और उस रेस में न जाने कब कैसे करण के प्लेन पर मिसाइल अटैक हुआ। और सर, ये मैंने नहीं किया है। सो लेफ्टिनेंट अजीत, आप यही कह रहे हैं कि वो मिसाइल आपके प्लेन से फायर नहीं हुआ था? सर, करण मेरा हमवर्दी भाई था। जहां हम एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं वहां जान लेने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? ट्रू, हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि आसमान में बादल बहुत ज्यादा थे, विजिबिलिटी वॉज पुअर, आपको ठीक से समझ नहीं आया, आपको लगा कि वो किसी दुश्मन का जहाज है एंड यू फायर्ड। But, too late. सर, एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोगों की ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि इस तरह की गलतियों की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। ये देखिए, ये उस मिसाइल का रिक्रिएशन है जिसने लेफ्टिनेंट करण पुरी के जहाज को गिरा दिया। इस मिसाइल का नंबर था JA 08599। सो इन शॉर्ट, जिस तरह से बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स ये बता सकते हैं कि कौन सी गोली किस पिस्तौल से फायर की गई, एग्जैक्टली लाइक दैट द मिसाइल एक्सपर्ट्स हैव प्रूव्ड कि वो मिसाइल आप ही के जेट से फायर हुआ। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूं,
क्या ये मिसाइल आपने फायर किया? सर मैंने फायरिंग बटन नहीं दबाया, ना गलती से और ना ही जानबूझकर। कैप्टन गोयल, एक्सक्यूज मी, मैं जानता हूं कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत के कहने पर या किसी और की कही हुई बात नहीं मानेंगे, क्योंकि सारे फैक्ट्स यही कहते हैं कि ट्रिगर इन्होंने दबाया और इन्हीं के जेट से वो मिसाइल चली। लेकिन जस्ट फॉर वंस, एक क्षण के लिए अगर हम इन फैक्ट्स को साइड पर रख दें और लॉजिक को पकड़ें, तो प्रश्न ये उठता है कि अंततः क्यों फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत ऐसा करेंगे? इससे क्या लाभ प्राप्त होता है इन्हें, जबकि ये जानते हैं कि ऐसा करने में इनका नुकसान ही था, करियर खत्म हो जाता, और न केवल इतना, लंबी सजा हत्या के लिए। Why would he do something like this? Maybe what you're saying is right. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जज्बाती होकर कुछ ऐसा कर देता है जिसके रिपरकशंस का उसको बिल्कुल ख्याल नहीं होता। मतलब क्या क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं आप, कि इन्होंने अचानक ही अपना आपा खो दिया, आवेश में आ गए, आवेगनशील होकर इन्होंने आउट ऑफ कंट्रोल होकर वो ट्रिगर दबा दिया? That's right. हो सकता है कि इन्होंने दिमाग के बजाय दिल से सोचा। दिल से मतलब क्या? He is a Air Force pilot. दिल दिल से मतलब मैं समझा। Captain Goyal, can you be more clear, please? Yes, ma'am. I'm afraid मुझे उसके लिए ग्रुप कैप्टन दत्ता की बेटी को यहाँ बुलाना होगा। May I? Yes, you can. अजीत ने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया क्योंकि मैं करण से प्यार करती थी। This is so beautiful. Thank you so much, Aji. Will you marry me, Anjali? अजीत, ये क्या है? तुम्हारे लिए। अजीत, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन लेकिन मैं I love करण। I'm really sorry. Anjali, वैसे एक तरीका है मेरे पास तुम्हारे डैड को राजी करने का। क्या? तुम्हारे डैड चाहते हैं ना कि तुम्हारा होने वाला पति स्क्वाड्रन लीडर हो, तो ठीक है, इस बार मैं अजीत को बीट करूंगा और उसके पहले स्क्वाड्रन लीडर बनकर आऊंगा, फिर तुम्हारे डैड मना कर ही नहीं पाएंगे। तुम जानते नहीं हो मेरे पापा को करण, जितनी मैं जिद्दी हूँ ना, मेरे पाप है वो बाप। अंजलि, अजीत तुम्हें करण के मुकाबले ज्यादा खुश रखेगा। लेकिन पापा, आपने तो कहा था कि करण अजीत से ज्यादा अच्छा पायलट है। हाँ बेटा, लेकिन वो अजीत जितना सुलझा हुआ और जिम्मेदार नहीं है। वो तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में फर्क तक नहीं जानता। एक बार फिर से सोच लो बेटा। मैं सोच चुकी हूँ पापा, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ करण से। पछताओगी। मिशन विजयपथ से एक रात पहले अजीत ने मुझे कॉल किया था। अजीत, इतनी रात को? हेलो। तुमने मेरा प्यार ठुकरा कर ठीक नहीं किया अंजलि। इसकी कीमत तो अब किसी को चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत चुकाएगा तुम्हारा करण। हाउ डेयर यू। हेलो अजीत, हेलो। मुझे क्या मालूम था कि अगले दिन ही अजीत अपनी उस खोखली धमकी को इस तरह से अंजाम देगा। अंदर की खबर पता तुझे? नहीं, टेल मी। हम दोनों में से कोई एक स्क्वाड्रन लीडर बनने वाला है, और इस बात का फैसला इस मिशन के एंड में होगा। नो सर, मैंने अंजलि को कोई फोन नहीं किया था। सो आर यू सेइंग कि ये
टेलीफोन रिकॉर्ड्स झूठे हैं। 10:19 फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत, क्या बता सकते हैं कि उस समय आप कहाँ थे? सर, मैं ग्रुप कैप्टन दत्ता के साथ था, अपने इस मिशन के बारे में कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए। हाँ, मेरा फोन मेरे रूम में था, हो सकता है किसी और ने वहां से कॉल किया हो। लेकिन सर, मैंने अंजलि को कोई कॉल नहीं किया। इनफैक्ट मैंने करण को भी... Stop right there. झूठ बोल रहे हैं आप। एक सोल्जर हैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखिए। ऑपरेशन विजय पथ कंप्लीट होने के बाद आप जानबूझकर करण को दूसरे रास्ते से वापस लाए। यू न्यू इट वेरी वेल, और उनको मारने का प्लान आपने एक दिन पहले बना लिया था। आप जानते थे कि खुरनाक इज आउट ऑफ द रेडार रेंज, इजंट दैट ट्रू? कैप्टन गोयल, प्लीज मुझे बताइए कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत ऐसा क्यों करेंगे? क्यों? इजंट इट ऑब्वियस? इसलिए ताकि रेडार पर इनका हमला रिकॉर्ड ना हो सके। एक मिनट, समझ आता हूँ कैप्टन गोयल। अब ये बताइए कि अगर मैं छिपकर बंदूक से आप पर वार करूँ और ये सोच लूँ कि बैलिस्टिक्स वाले बैलिस्टिक्स रिपोर्ट बनाए बिना मुझ तक नहीं पहुँचेंगे क्योंकि मैंने छिपकर वार किया, तो क्या ये मेरी बेवकूफ़ी नहीं होगी? दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया हूँ मैं, क्योंकि एक हाथ पर आप कह रहे हैं कि इम्पल्स में आकर, आवेगनशील होकर, आवेश में आकर, आपाक होकर इन्होंने ट्रिगर दबाया, मिसाइल चलाया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इन्होंने सोचा समझा प्लान षड्यंत्र बनाकर उसकी हत्या की, तो कौन सी बात सही है, इंपल्स या प्लान? मिस्टर पाठक, प्रोसिक्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट करके आप अपना केस स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। यू नीड टू प्रोड्यूस एविडेंस कि आपका क्लाइंट बेकसूर है। सर, ये फ्लाइट क्रैश रिपोर्ट से रिक्रिएट किया गया सिमुलेशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत का हवाई जहाज और आगे 100 मीटर की दूरी पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट करण का जहाज। ऑब्वियसली मिस्टर पाठक, बुजदिल लोग हमेशा पीछे से वार करते हैं, विच इज वाई इन्होंने करण को आगे जाने का मौका दिया, सो दैट ही कुड लॉन्च हिज अटैक फ्रॉम द बैक। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत, तो आप इसके अनुसार आप करण के जहाज के पीछे थे? जी सर। क्या आप प्लीज पैनल को बताएंगे कि किस ओर थे आप, उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड? सर, मैं करण के प्लेन के बाएं ओर था, ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज। 40 डिग्रीज बाई ओर? जी। लेकिन सर एंड मैडम, जो रिपोर्ट्स आपके सामने रखी हुई है उससे ये स्पष्ट होता है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट करण के हवाई जहाज पर राइट साइड पर इंपैक्ट हुआ था। उस मिसाइल का आघात राइट साइड पर हुआ था, जबकि इस सिमुलेशन और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत के बयान से ये पता चलता है कि इनका एयरक्राफ्ट लेफ्ट साइड पे था। कैप्टन गोयल, अटैक लेफ्ट साइड से किंतु इंपैक्ट राइट साइड पर, आपके फ्लाइंग एक्सपीरियंस में क्या ये पॉसिबल है? तो आपका कहना है कि अटैक कहीं और से आया, मतलब तीसरा प्लेन? जी सर। सर, ये लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन भी मुझे इनका एक झूठ लगता है। मुझे नहीं लगता। सर्वप्रथम आपके प्रश्न के उत्तर में तीसरा प्लेन था, और जैसा कि हम जानते हैं उस इलाके में रेडार की उपस्थिति नहीं थी, तो वी कैनॉट रूल आउट द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड फ्लाइट। रही आपकी बात, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं केवल लेफ्ट राइट का कन्फ्यूजन कर रहा हूँ? आप ठोस रूप से तो कह नहीं सकते कि कोई तीसरा एयरक्राफ्ट वहाँ था नहीं, क्योंकि ना तो आप वहाँ उपस्थित थे ना ही कोई चश्मदीद गवाह। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू मिस्टर पाठक, गवाह है और चश्मदीद गवाह है। लेकिन उन बर्फ की पहाड़ियों में तो कोई इंसान बसते नहीं। लेकिन उस रोज किस्मत से एक चरवाहा अपनी गुमशुदा भेड़ को ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया, एंड ही सॉ द एंटायर अटैक। उसने अपनी आंखों से पूरा अटैक देखा,
अगर आपकी इजाजत हो आई लाइक टू कॉल हिम इन. उसका नाम है मोहन लापसा. यस यू कैन. घबराइए मत लापसा जी. यहाँ बैठे हुए ऑफिसर्स को आप ये बताइए कि उस सुबह आपने क्या देखा. साहब मैं अपना भेड़ को ढूंढने के लिए दोनों पहाड़ियों का बीच में गया था और फिर देखा. लालिया, ए लालिया, ये कहाँ चली जाती है. लालिया, ए लालिया, ए लालिया. So, दो ही प्लेन्स थे. Am I right? जी सर, दो ही थे. तीसरा कोई प्लेन नहीं था? नहीं नहीं साहब, दो ही थे. और मिसाइल सिर्फ प्लेन की दिशा से आया था और किसी और दिशा से नहीं? नहीं नहीं, पीछे वाला प्लेन ने उसको शूट किया. There you go, officers. Murder. Murder weapon. Motive. और अब विटनेस. सब कुछ हमारे पास है. The only thing we are waiting for, फैसला. Mr. Pathak. जी मैम. मैम मुझे लगता है कि ये जितना सरल दिखाई दे रहा है उतना है नहीं. इसकी और गहरी जांच करने के लिए मैं समय की मांग करता हूँ. ठीक है, द कोर्ट मार्शल से रिकन्वेंट आज से ठीक दो दिन बाद 0900 आवर्स. टिल देन एडजर्न. थैंक यू सर. जहा साहब. हाँ. आप कैप्टन अजीत के प्लेन के पास क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था. रस्तोगी तुम एक काम करो, मुझे जल्दी से कंट्रोल टावर छोड़ दो. हाँ सर, चलिए ना. सर अगर आई विटनेस कोई और होता तो डाउट हो सकता था, लेकिन एक सीधा साधा बुजुर्ग सा चरवाहा वो अजीत को फ्रेम क्यों करेगा? सीधा साधा चरवाहा अदीरा, यू नो व्हाट, किसी को समझे बिना जाने बिना उसके चरित्र को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं होता. इसलिए हमेशा कहता हूं कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं. तो हो सकता है यहाँ जो तुम्हें दिख रहा है वो ना हो और जो नहीं दिख रहा वही हो. कहने का अर्थ मेरा ये है कि आज कोर्ट में वो चरवाहा अपनी छड़ी भूल गया था. मैंने जब उसे याद दिलाया तो उतने निकट से वो छड़ी नहीं देख पाया अपनी. अरे लापसा साहब. जी. आपकी लाठी रह गई. ओ हाँ. मैं ला देता. वो इतने दूर से हवाई जहाज की छोड़ी हुई मिसाइल कैसे देख लेगा? Think about it. मतलब उसकी गवाही झूठी थी, तो फिर आपने ये बात पैनल के सामने क्यों नहीं रखी? अवश्य रखता, लेकिन ऐसा करता तो वो चरवाहा चौकन्ना हो जाता और ये मैं नहीं चाहता था. मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ. Red hand. Now I get it. मैं आज ही जाकर उससे मिलूंगी सर. लापसा जी, नमस्ते. नमस्ते. कौन? मैं अधीरा, केडी के असिस्टेंट. आइए बैठिए. काफी सुंदर घर है आपका. ये आपके बेटे की तस्वीर है? मेरा बेटा है.
शहर गया है पढ़ने के लिए। अच्छा, वैसे कैसे आना हुआ? मुझे जो कुछ भी पता था मैं बता दिया ऑफिसर को। देखिए लापसा जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है, प्लीज थोड़ा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। पूछिए। आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो मिसाइल दूसरे प्लेन से फायर हुई थी? हाँ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। थोड़ा पानी मिलेगा प्लीज? हाँ हाँ, अभी देता हूँ जी। थैंक यू। सर, ये टेबल क्लॉथ पर सिगार से जली का निशान और ये फर्श पर गिरी राख, जिससे जब मैंने एग्जामिन करवाया तो ये पता चला कि ये क्यूबिन कोहिबा सिगार की राख है। एंड सर, वन मोर थिंग, ये फर्श पर साइज 10 जूतों के निशान हैं, जबकि लापसा का शू साइज 8 है। इंटरेस्टिंग, लापसा एक चरवाहा जिसके पास दो वक्त की रोटी के पैसे नहीं, वो क्यूबन सिगार तो पिएगा नहीं, और जिसके जूतों का साइज 8 है वो 10 नंबर के जूते क्यों पहनेगा? जिसका सीधा सरल अर्थ ये निकलता है कि कोई व्यक्ति जो कद में बहुत ऊंचा है 10 नंबर के जूते पहनता है और क्यूबन सिगार पीता है। वो लापसा से मिलने गया था उसके घर। मिस्टर पाठक, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी, मेरी बेटी का इस केस में इन्वॉल्व होना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अजीत करण को रास्ते से हटाने के लिए इतनी घटिया हरकत कर सकता है। जी सर, किंतु सर जो हुआ है वो तो हुआ है। वैसे इस घटना को लेकर आपकी क्या धारणा है? मिस्टर पाठक, काफी मुश्किल है कहना, क्योंकि घटना इतने सुनसान इलाके में हुई थी कि वहां चरवाहे के अलावा कोई था ही नहीं। राइट। सर, आपको आपत्ति ना हो तो इस इलाके का परीक्षण करना चाहूंगा मैं एक बार। मिस्टर पाठक, वो बहुत ही खतरनाक इलाका है। आप चिंता ना करें सर, मैं पूरी तरह से सचेत रहूंगा। उस इलाके का परीक्षण करना एक बार अति आवश्यक है। ठीक है, मैं अपने एक फाइटर पायलट को आपके साथ भेज देता हूँ उस इलाके के दौरे के लिए। धन्यवाद सर। सिगार? नो थैंक यू सर, मैं धूम्रपान नहीं करता। हो, चलता हूँ सर। वैसे आपके जूते बहुत अच्छे लगे मुझे। थैंक यू। इंजीनियर मानव, इंजीनियर मानव, इंजीनियर मानव, कहाँ हैं आप? मुझे मिस्टर केडी पाठक को फ्लाइट रेकी पर लेके जाना है। प्लेन इंस्पेक्ट हुआ या नहीं? मुझे माफ कर दो करण, आई एम रियली सॉरी। लेफ्टिनेंट अजीत झा सर, आप यहां? मुझे आपसे कुछ कहना था। ऑलरेडी? यस सर, आप बेफिक्र होकर दौरे पे जा सकते हैं। थैंक यू इंजीनियर सर। थैंक यू सर।
साहब, अब तो मेरे बेटे को छोड़ दो। ये तो एयरफोर्स के ब्लूप्रिंट्स हैं, फोटोग्राफ्स भी। ये लोगों के पास कैसे? सेल्फी। सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। The customer you're trying to call is unreachable at the moment. Please call back in some time. पाठक, ये नीचे का इलाका अक्साई चीन, वो डिस्प्यूटेड रीजन जहां उस दिन एक्शन हुआ था, और यहां से उस दिशा में वो एरिया जहां करण के प्लेन पर अटैक हुआ था, कुरनाक फोर्ट। फोन से तो लगातार एक इंडियन नंबर पे फोन किया गया है। I've seen this number somewhere. यही वो इलाका है सर, जहां प्लेन उस दिन क्रैश हुआ था। यहाँ की टोपोग्राफी की वजह से रेडार सिस्टम आउट ऑफ रीच है। वो सामने जो नदी है, आप उस दिशा में ले जा सकते हैं। ओके। क्या हुआ? नो, ये कैसे हो सकता है? ये क्या? टर्बाइन्स फेल हो रहे हैं। दिस इज साबोटाज। किसी ने प्लेन के साथ कुछ। मेडे मेडे मेडे। मिस्टर पाठक, वी विल हैव टू इजेक्ट। आपको प्रक्रिया याद है ना? ओके, गेटिंग रेडी टू इजेक्ट ऑन द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। End of case. End of KD Pathak. Hahaha.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.